देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। पूरा देश जान चुका है कि जो सवाल करेगा सरकार से उसके साथ क्या होगा। अभिसार शर्मा हो या उर्मिलेश जी हो, इनके ऊपर यूएपीए की प्रक्रिया किस प्रकार से है देश जानता है। खबर आपको ये बताने नहीं आया हूं, बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि सवाल उठता यह है, और अभिसार शर्मा ने भी सवाल उठाया है बाद में, कि जब आप कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक को चाइना से फंड हुआ है और वहां पुलिस वाले जो अभिसार शर्मा के घर में घुसे, पहली बात उन्होंने कही कि टेरर फंडिंग, टेरर लिंकिंग, इसके बारे में जानकारी हम करने आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम है जानकारी करना, लेकिन एक साहब हैं, आप सभी तरह से भली भांति वाकिफ हैं, इनका नाम है प्रशांत भूषण, वकील हैं, जानते भी हैं आप। इन्होंने ट्वीट किया और लिखा, वाजिब सवाल उतारा है या वाजिब सवाल सामने रखा है। अब ये इनके ऊपर यूएपीए लगेगा नहीं लगेगा बात अलग है, चूंकि सवाल यदि पत्रकार करता है तो यूएपीए की प्रक्रिया हो रही है। इन्होंने लिखा कि यूएपीए केस कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट न्यूज क्लिक, जब न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए का कैन केस रजिस्टर्ड हो सकता है, एंड पीपल कनेक्टेड विद इट कैन बी रेडेड एंड देयर मोबाइल्स लैपटॉप एंड कैन बी सीज्ड, उनके मोबाइल और लैपटॉप जो है सीज हो सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि क्या वाई इज एक्शन, उससे पहले इन्होंने लिखा कि मेयरली बिकॉज इट हैज रिसीव्ड सम फंड्स फ्रॉम चाइनीज, कुछ फंड रिसीव किया है न्यूज क्लिक ने जो चाइनीज चाइना के माध्यम से आया। आगे इन्होंने लिखा कि वाई इज एक्शन नॉट बीइंग टेकन, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, दोज हु मैनेज द पीएम केयर फंड्स व्हिच हैज रिसीव्ड ह्यूज मनी फ्रॉम चाइनीज कंपनीज, चाइना जो कंपनी पीएम केयर फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं उनके बारे में भी क्या आपकी इतनी हिम्मत है कि बातचीत कर लें, उनके लैपटॉप उनके मोबाइल जो हैं, मोदी जी का नहीं कह रहा हूं लेकिन जो भी पीएम केयर को देखता है, कर सकते हैं, सवाल भी उठ सकता है। नहीं, इससे जुड़ी कैसी इंपॉर्टेंट खबर बताऊंगा अडानी से संबंधित, कि ये थोड़े से पत्रकार जो यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, सवाल पूछने का काम करते हैं, इनकी तमाम ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से बिल्कुल वाजे हैं, क्या इनके फेसबुक देता है, क्या इनको यूट्यूब देता है, क्या बाकी चीज देते हैं, कौन कौन सा पैसा आता, सारे ट्रांजैक्शन इनकी वाजे हैं। इनके ऊपर यूएपीए के केस की तैयारी है या लगा दिया गया है, और बात अब ये चल रही है कि क्या पीएम केयर फंड के बारे में भी किसी की हिम्मत हुई कि चाइना की कंपनी से पैसा आ रहा था। ध्रुव राठी ने 28/6/2020 में इन्होंने कहा चाइनीज कंपनीज डोनेशन टू पीएम केयर फंड्स, शाओमी जो मोबाइल आता था शाओमी, 10 करोड़ रुपया दिया है, हुआई ने 7 करोड़ दिया है। आगे पूरी डिटेल अगर इसकी देखेंगे आप तो इसके अंदर बहुत लोगों का नाम है, वन प्लस मोबाइल की कंपनी उसने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़, और टिकटॉक जिसको कभी बैन भी करने की बात हुई थी 30 करोड़ रुपया दिया है। ये चाइनीज कंपनी के माध्यम से आपके पीएम केयर फंड पर आया है, क्या इसके बारे में भी कुछ बातचीत होती है या नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि न्यूज क्लिक में, जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी जानबीन में ये बात आई है, लेकिन अभिसार शर्मा से सवाल क्या पूछे गए। उसने अपनी वीडियो में बताया कि आप जो हैं किसान के आंदोलन को कवर करने गए थे, यूएपीए नहीं जो लगा था, एनसीआर एनआरसी वगैरह सीएए है ना, सीएबी पहले था, सीए जो था उसकी आप जो है कवर करने गए थे, इस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं वहां के लोग जो अथॉरिटीज के लोग हैं। अब ये तो खबर मैंने आपको बताई कि प्रशांत भूषण ने पूछी है, इसका पूरा बायोडाटा ध्रुव राठी ने दिया, स्क्रीन पर आपकी खबर है कि शाओमी प्लेजेस 15 करोड़ टू रिलीफ फंड, आपके पीएम केयर फंड में दिया जाता है पैसा। अब मैं आपको इससे संबंधित एक दूसरी चीज दिखा रहा हूं जो पहले भी मैंने आपकी तरफ बताया था, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा था। ये जानते हैं क्या चीज लिखी है आपकी स्क्रीन पर, एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि मॉरीशस से अडानी सेठ की दुकान उड़ गई, भारत सरकार और गोदी मीडिया सेठ के नौकर हैं और जनता गुलाम। क्या खबर थी ये? खबर ये थी, आप देखें आपकी स्क्रीन पर, कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो मॉरीशस की, जैसे हमारे यहाँ सेबी होती है ना, उनके यहाँ जो रेगुलेटरीज हैं, उसने कहा था कि फर्म का जो है लिंक है अडवानी इन्वेस्टर का लॉस्ट लाइसेंस इन मॉरीशस, मॉरीशस में उन कंपनियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया था जिन लोगों ने अडानी साहब की कंपनी में
लगाया था पैसा, ठीक, ये तो खबर आ गई। मगर मैं आपको वो दस्तावेज दिखाना चाहता हूं जो उस सेबी जैसी संस्था ने जो मॉरीशस की है, उसका पेज मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे देख पहले देख लीजिए, इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस कमीशन मॉरीशस, ठीक। इन्होंने वो पूरा जो कंपनियों को निरस्त किया था मॉरीशस में, उन लोगों की जिन्होंने अडानी साहब की कंपनी में पैसा लगाया था, सबसे नीचे का पैराग्राफ देख लीजिएगा, ये खबर आपको मिलेगी नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं। इसके नीचे आप देखिए पैराग्राफ 3.2 एंड 3.3 फुल स्क्रीन पे लगाएंगे हमारे एडिटर्स। इन्होंने लिखा कोड ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये तमाम ऊपर तक देखेंगे ना आप, सेक्शन 29, FSA, सेक्शन 30, ये सारी चीजें उन कंपनी पे लगाई गई थी, अडानी साहब पे नहीं लगाई गई थी, भारत पे नहीं लगाई गई थी, बरमूडा से जो है पैसा लगाया गया था मॉरीशस की कंपनी में, और उन लोगों ने अडानी साहब के यहाँ पैसा लगाया, उसमें उनके ऊपर आरोप ये लगाया था कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपके पास जो पैसा है, आप पर आरोप है कि आप इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को फाइनेंस किया गया, ये मतलब है इसका। इसके बारे में कोई खबर सुनी थी, कोई रेगुलरिटीज आई थी किसी के पास अडानी के, कि आपकी कंपनी में जिसने पैसा लगाया उनके ऊपर मॉरीशस की कंपनी ने, ये मॉरीशस की अथॉरिटीज ने ये इल्ज़ाम लगाया है। मैं अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करने में सक्षम हो पाया हूँ ये तो दर्शकों आप फैसला करें, लेकिन उन रिपोर्टर्स को जो सवाल उठा रहे हैं उन पर आप UAPA की प्रक्रिया कर रहे हैं। और बात यह है कि PM केयर फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, चाइनीज से अथाह पैसा आपके पास आ रहा है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या ये मुनासिब है उन लोगों को परेशान करना जो आपसे सवाल उठाते हैं? क्या आपके सिंहासन को इन थोड़े बेरोजगार पत्रकारों ने, जिनको मैंने स्ट्रीम चैनल से निकाल दिया गया या ये निकल गए हैं, इनसे सिंहासन डोल रहा है क्या? क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत है, आप भी तो आ गए मोदी जी उसके ऊपर, आप भी कह रहे हैं घंटा बजाइए, इन्होंने भी अपनी घंटी बजाई यूट्यूब चैनल्स की, बड़ी दिक्कत हो गई साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।